साक्ष देव प्रभु के प्यारे भक्तों, इधर श्री शुक्रदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज तीन अपराधियों ने उस मातृभूमि को प्रणाम किया है और विश्वामित्र के साथ में काशी में बचने के लिए चले हैं भक्तों। तो इधर श्री शुक्रदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज तीनों प्राणी बचने के लिए चले, आज चलते जा रहे हैं, थोड़े आगे निकल पाए हैं। रानी तारा कहने लगी, महाराज अब हमसे चला नहीं जाता है क्योंकि हमारे पैरों में छाले पड़ गए महाराज, अब नहीं हमसे चला जाता है। और तारा बोली है, महाराज मेरी बात सुनो, प्रभु के प्यारे भक्तों। तारा ने कहा है, महाराज अब नहीं हमसे चला जाता है। महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं, तारा क्या पागल हो गई हो, संकट की घड़ी देख करके तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो। तारा एक तुम ही हो मेरा साथ देने वाली और तुम्हें आज संकट की घड़ी देख करके मेरा साथ छोड़ना चाहती हो। तारा तारा कहने लगी, महाराज मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता है। और मेरे बेटा उल्लास को देखो महाराज, ये प्यास की वजह से बहुत व्याकुल, महाराज इसे पानी पिला दीजिए। महाराज हरिचंद्र कहने लगे, तारा क्या पागल है, पानी तो बहुत बड़ी बात रही, हम पीछे लौट करके भी नहीं देख सकते हैं और हम पानी कैसे चला दें। तो इधर मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, तारा कहने लगी, महाराज सब कुछ तो हमारा लुट चुका है, अब थोड़ा जब तक हम जीवित हैं महाराज तब तक मेरे बेटा रोहतास को पानी पिला दो स्वामी, नहीं तो ये मर जाएगा।
स्वामी जी का 60 वर्ष होना कहां से देंगे स्वामी, मेरे बेटा को पानी पिला दो। महाराज हरिचंद्र ने मना कर दिया और बोले हे तारा मर जाए, मैं पानी नहीं पीने दूंगा और बेटा देवदास को आगे के लिए लेकर के चलो तारा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे रोचन परीक्षित, जब महाराज हरिचंद्र ने कोई बात नहीं सुनी है और कह दिया है तारा बेटा रोहतास को आगे उठाओ, जब तक हमारी राजधानी रहेगी ज्यादा नहीं, अब थोड़ी रह चुकी है और हम तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे तारा, मेरी बात।